Narendra Nath Dubey of Varanasi is one of the most strange contestants in these UP elections. He's known for two things, his funny laughter and contesting all kinds of elections. Narendra Nath Dubey aka Adik, literally meaning unbowed, is on the electoral battlefield yet again. He has contested in many elections so far, including that of the presidential elections of India. अधिक इसलिए कहते हैं कि मैं जो वसूल बना लेता हूँ, सिद्धांत बना लेता हूँ, हमको ये करना है तो करना है, उससे मैं दिखता नहीं, इसलिए मेरा नाम अधिक रख दिया गया। अब तक कितने चुनाव आपने लड़े हैं? कितने चुनाव लड़े हैं तो आप लोग गिनती करिए, जो चैनल के लोग हैं, न्यूज के लोग, वो लोग गिनती कर रहे हैं। इतिहासकार जो है वो इतिहास लिख रहे हैं मैं कितना लड़ा हूँ, कब से लड़ा हूँ। लेकिन मुझको इतना ध्यान जरूर है कि 1984 में पहला चुनाव मैं विधानसभा का लड़ा था, तो 244 किराई गांव विधानसभा, तब से लगातार मैं विधानसभा, लोकसभा, वाराणसी, स्नातक सहित चुनाव में लड़ा चला रहा हूँ लगातार, और चार बार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी नामांकन दाखिल कर। सवाल यह है कि जब मैं लगातार चुनाव लड़ते चला रहा हूँ, जनता के बीच में हमारी एक संघर्ष करने के रूप में एक स्थान बन चुका है, तो न चाहते हुए भी लोग चुनाव लड़ाने के जो है इसकी पैदा कर देते हैं, और मेरे अंदर जो जुनून है, जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, उस तमन्ना की पूर्ति करने के लिए भी मैं जो है बार बार चुनाव मैदान में आता हूँ। तो क्या कारण क्या है कि हर बार आप चुनाव लड़ते हैं? मैंने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, तो हमारे अंदर कुछ जुनून है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, इसलिए मैं बार बार चुनाव मैदान में आता हूँ। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मैं इस देश को सोने की सीरिया के रूप में देखना चाहता हूँ। इस बार क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यार, जो मानव का मौलिक अधिकार है, बिजली, पानी, मकान, इसको टैक्स मुक्त किया जाए, टैक्स मुक्त, इस पर बिल्कुल कर न लगाया जाए, और जो शिक्षा जगत की प्रणाली है उसमें कम से कम जो है, ताकि गरीब के गरीब बच्चे भी उसमें जो है निःशुल्क शिक्षा ले सके। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे इस बार? मोदी जी के लिए हमको यही करना है कि मैंने कहा कि इन्होंने पूरे देश को तनाव में डाल दिया है, और जो प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता को तनाव में डाल दे, उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठे रहने का एक सेकेंड भी अधिकार नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए जो हमारे देश की जनता को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अनुभूति का एहसास करा सके कि हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अनुभूति कर रहा है, और यह महसूस कर रहा है कि हम हिंदुस्तान में एक जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की अनुभूति के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ, और हमारे ऊपर किसी का कहीं से कोई भी जो है गुलामी का जंजीर। हर बार आपको सफलता मिलती जा रही है? मैंने कहा कि सफलता रोज हमको मिल रहा है, एक एक क्षण हमको मिल रहा है, इसलिए अगर सफलता न मिलता तो जनता के बीच में चारों तरफ जो है। The All India Ram Rajya Party have extraordinary confidence in the candidate too. They believe he can not only take India to the top but bring Ram Rajya in the whole universe. बनारस से हम लोग अडिक जी को चुन रहे हैं क्योंकि अडिक जी राम राज्यवादी है, और यह जो है भारत विश्व एवं समस्त ब्रह्मांड में राम राज्य के सिद्धांतों को स्थापित करने वाले धर्मवीर हैं, इसलिए इनको दिया जा रहा है। सूर्यमंडल को दो ही भेद सकता है, योगी या जो वीर गति को प्राप्त हो। अडिक जी योगी हैं और कवि भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और प्रतिभावान व्यक्ति हैं। आज जिसके पास सत्ता है वह राजा होता है। कहा गया है नारायणाम च नराधिपम, राजा नरों में श्रेष्ठ नारायण स्वरूप होता है, मगर वह जनता का खून निकाल ले रहा है, तेल निकाल ले रहा है। अडिक जी वैसे हैं, प्रत्याशी हैं, राम राज के धर्मवीर प्रत्याशी, जो कि फूलों का से मधु ले लेगा मगर फूल को क्षति नहीं पहुंचाएगा। आज तो जो राजनेता आ रहे हैं प्रदेश की, देश की सत्ता में बनकर जनता का खून चूस ले रहे हैं, उनको दुखी कर दे रहे हैं। अडिक जी तो जनता को हंसाने का, खुश सुखी करने का कार्य करेंगे, ये जनता को दुखी नहीं करेंगे। He seems to be famous among the locals for his lovely smile too. हाँ हाँ सर, आते हैं। तो क्या पहचान है इनकी बनारस में? पहचान तो बहुत है, खड़े हो जाते हैं हर इलेक्शन में,
लोगों को हंसाते बुलाते रहते हैं। तो क्या चीज़ इनकी अच्छी लगती है, हर बार आते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं? इनकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। अडिग जी को चुनाव के जरिए हम लोग जानते हैं। अडिग जी हर साल चुनाव में खड़े होते हैं और अडिग जी का चेहरा ही चुनाव के लिए काफ़ी है। तो अडिग जी का नाम सुनते ही आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराने लगते हैं, हंसी आ जाती है, क्या यही पहचान है? अडिग जी हंसमुख आदमी है, इसलिए अडिग जी को चुनाव में हम लोग सेलेक्ट करते हैं या खड़ा करते हैं उनको। और अडिग जी बहुत ही बढ़िया आदमी है, हंसमुख आदमी है, और अडिग जी को हम लोगों का समर्थन है।